जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई उतासी वीडियो लेकर हाजिर है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों के लिए लेकर आए, जिससे न सिर्फ आप भक्तों की यात्रा काफी ज्यादा सफल बन सकती है, साथ ही यात्रा में आने वाली दिक्कतों से भी आप जरूर बच सकते हैं। तो अगर आप सितंबर महीने में वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो नजारा आप सभी भक्त सामने देख पा रहे हैं कटरा मार्केट का ताजा नजारा है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को इस समय भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। वैष्णो देवी यात्रा के साथ साथ कटरा में भी भारी बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते न सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को काफी दिक्कतें आ रही है, साथ ही भक्तों को यात्रा करने के लिए भी काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप सभी भक्त सामने देख पा रहे हैं कटरा मार्केट में बारिश होने के बाद में किस तरीके से चारों ओर जलभराव देखा जा सकता है। ये ताजा नजारा आप सभी भक्तों तक सबसे पहले डिवोशन पॉइंट लेकर आया। तो अगर आप वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी बाकी अन्य जानकारी घर बैठे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। डिवोशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना भी ना भूले, जिससे कि माता रानी की यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों को ताजा जानकारियां यूं ही मिलती रहे। आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, कटरा मार्केट में पानी भरने के बाद में कतई भी वहां पर खरीदारी करने के लिए भक्त नहीं आ सकते थे, जिसके लिए काफी ज्यादा दुकानदारों को नुकसान भी हो रहा है। आप भक्तों को ये भी बता देना चाहता हूँ, कटरा में बाकी इलाकों में भी इसी तरीके से जल भराव देखा जा रहा है। वहीं अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले दिनों में जा रहे हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से बारिश भी देखने के लिए मिल सकती है। आप भक्तों से अनुरोध रहेगा, यात्रा करने के दौरान आप अपने साथ ठंड के कपड़े ले जाना बिल्कुल भी ना भूले। आपके साथ छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। अगर आपको बारिश का सामना करना पड़ा तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है, जिसकी वजह से आपको काफी दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए डिवोशन पॉइंट आप भक्तों को पहले ही आगाह कर रहा है, अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं ठंड के कपड़े ले जाना ना भूले। आप अपने साथ रेनकोट और छाता भी जरूर रख सकते हैं, जिससे आप यात्रा पर किसी भी संकट से जरूर बचेंगे। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या इस समय लगभग 20,000 के आसपास बनी हुई है। वहीं ये संख्या सैटरडे संडे को हर शनिवार इतवार को 24 से 25,000 हो जाती है, जो कि वीकेंड के आसपास ही देखी जा रही है। हालांकि आने वाले समय में यही माना जा रहा है कि भक्तों की संख्या और बढ़ जाएगी और कुछ इसी तरीके से भक्त माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। वहीं आप भक्तों को ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेने वाले हैं, जो कि कटरा से सांझी छत के बीच में ही चलता है, तो वो सेवा शायद ही आपको मिल पाए, क्योंकि जब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है या फिर बादल आ जाते हैं, तो उस समय श्राइन बोर्ड हेलीकॉप्टर सेवाओं को स्थगित कर देता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये कहीं ना कहीं अपना में काफी बड़ा मसला होने वाला है उन भक्तों के लिए जो कि माता रानी की यात्रा पैदल करने में असमर्थ है या फिर नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने पहले ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा ली है। तो ऐसे भक्तों को अगर हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं मिलती है और उन्होंने एडवांस बुकिंग कराई है तो श्राइन बोर्ड की तरफ से उन्हें फुल रिफंड दिया जाएगा, कतई भी उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सभी भक्त घोड़े खच्चर बिट्टू पालकी की सेवाओं का उपयोग करके भवन की ओर रवाना हो सकते हैं, साथ ही बैटरी कार की सुविधाओं का भी भक्त उपयोग कर सकते हैं। हालांकि भवन पर चलने वाला रोपवे भी पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। आशा करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, जिससे कि सभी भक्त घर बैठे ही वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी जान सकें। अगर आप चाहते हैं वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ताजा तस्वीरें और पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।